श्रीमन्नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करते हैं सब कुछ सुनूंगी, मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, और आज का ब्लॉग भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। और दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही रसोई घर से। मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने भी नहा धो के भगवान जी की पूजा पाठ कर ली, और मैं अपने लिए जा रही हूँ सुबह सुबह की चाय बनाने के लिए। चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, और बच्चों के लिए आज मैंने हरी प्याज की सब्जी बनाई थी तो वो ले गए स्कूल के लिए। और अब मैं अपने चाय बनाती हूँ, मैं भी चाय पीती हूँ, और पतिदेव के लिए बनाऊँगी दाल जो मैंने इस तरह रखी, मशहूर राजमा, इनको बॉयल करूँगी। तो फटाफट अपने गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, और मैं भी चाय का आनंद लेती हूँ, और आप भी चाय का आनंद लीजिए। फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और आगे जो भी दिनचर्या होती है आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। और अपना नाश्ता भी बना दिया है, तो एक बार आज मैं ना आप लोगों को ना उनका लंच दिखाती हूँ कि मैं इनके लिए क्या क्या पैक करती हूँ। दोस्तों ये ना मैंने इनके लिए दाल बनाई है, ऑफिस के लिए बॉयल की हुई है, और ये अभी के लिए सैलेड का फ्रूट्स काट के रखा हुआ है, या ऑफिस के टिफिन इनके चार तैयार हैं। फटाफट उनका लंच पैक करके उनको ऑफिस के लिए भेजते हैं, फिर सारे घर का काम करते हैं। दोस्तों आज मशीन भी लगानी है, दोनों ने कल कपड़े ख़राब कर रखे, इस कल मास्क में उसके गिरा दी। पिक्चर देखने के लिए गए हुए थे तो मैंने दिखाया था आपको कल वाले व्लॉग में कि सारी उन्होंने स्कल ख़राब करके थे, कपड़े वपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे बेड्स वगैरह भी धोनी हैं। फटाफट घर का काम हम निपटा के, और नाश्ता मैंने तो अपने लिए हरी प्याज रखी है, सुबह बच्चे के लिए बनाई थी तो थोड़ा मैंने अपने ही बचा दी। देखिए बहुत सुंदर कलर आ रखा है हरी प्याज का, इसी के साथ रोटी खाऊंगी। फटाफट मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर और काम करती हूँ, और फिर काम निपटाने के बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। देखो धूप क्या चटक खिली हुई है, ये है इतनी तेज़ धूप हो रही है, बिल्कुल क्लीन मौसम है, शाम को बादल लग जा रहे हैं। ऐसा मन कर रहा था कल पता नहीं कितनी मोटी बारिश आएगी, बारिश अच्छी से आई नहीं, काली बादल लगे, लेकिन ठंडी हवा थी, मज़ा आया मौसम में। दोस्तों आज हमारा एक दो रोज़ और खिल गए हैं, ये देखिए आज इस पेड़ में भी खिल गए हैं, इसमें तो तीन चार खिल गए हैं आज। ये सुंदर से ये सारा काम हो गया, दिन का भी, सुबह का भी, और खाना भी बन गया। खाना मैंने दाल चावल बनाई है, बस बच्चों का इंतजार करी, मेरे बच्चे आते हैं तो खाना खाते हैं, और ढाई बज गया, आने वाले होंगे वो लोग भी, देखती हूँ कब तक आते हैं, फिर दिखाऊंगी आपको। मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं और इनके लगाते हैं गर्मा गर्म खाना। बैग बेचारी का, ये लंच बॉक्स निकालो, इसमें से लंच निकालो, पहले जल्दी निकालो, फिर आप भूल जाते हो। सब्जी अच्छी अच्छी हुई थी ना, टीमू गुन्नो हरी प्याज की सब्जी टेस्टी हुई थी, हाथ में शॉर्ट ब्रेक से हरी प्याज फंसा और वो अभी तक निकला नहीं है। दिखा दिखा दोस्तों, मैंने ना इनको हरी प्याज की सब्जी दी थी आज स्कूल के लिए, जो मैंने आपको दिखाई थी काटते हुए भी, बना के भी, और गुन्नू के ना दांतों में तार लगी हुई है, तो इसके दांतों में हरी सब्जी फंस गई, तो टिम्मू इसकी मजाक बना रही, मम्मा दीदी के दांत में हरी सब्जी फंसी, मजाक है तभी तो कह रही, बता रही बड़े उससे, देखो उसने ना लंच वगैरह टाइम से निकाला। और वो कैसा हुआ था खरबूजा, मीठा था ना, आज लाल वाला लेके आई थी मैं, अभी कल के लिए एक और है। चलो कपड़े चेंज करो फटाफट और खाना खाओ, बढ़िया आपकी मनपसंद चीज बनी है आज, फेवरेट पता कौन सी दाल है, और चटनी अपने बच्चों के लिए, और टिम्मू की फेवरेट दाल बनी है, टिम्मू आज ज्यादा ही खुश है। टिम्मू अब खाई नहीं, ये देखो राजमा की दाल बनाई मैंने, मशहूर और राजमा, ये देखो का खाना, ये टिम्मू का खाना, तैयार, और चटनी है कल की, और आज फिर बनाऊंगी चटनी देने की, ठीक है इस साथ खा लो फिर बनाऊंगी। मैं भी अपने लिए गर्मा गर्म चावल लेके आती हूँ और खाती हूँ मैं भी, और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कुछ नया सा, फिलहाल गर्मा गर्म खाते हैं खाना, खाना वाना खाए, थोड़ी देर रेस्ट करा, और ले चलती हूँ आपको मंदिर, काफ़ी दिनों बाद आज मंदिर के दर्शन कराऊंगी, मंदिर के कीर्तन सुनाऊंगी नवरात्रों के साथ आज ही, क्योंकि मैं नवरात्रों में भी मंदिर में नहीं जा पाई थी, तो आज मंदिर में चलते हैं, हनुमान जी कीर्तन भजन होते हैं वहीं चलते हैं, वहीं कीर्तन करते हैं, और दिखाऊंगी आपको भी एक आध झांकियाँ झलक। मैं बिल्कुल रेडी हूँ मंदिर में जाने के लिए, 5 बजने वाले हैं तो चलते हैं मंदिर में, और थोड़ी देर वहीं भगवान जी के मंदिर में मनन करके आते हैं। थोड़ी और मिला के ना सा
दृश्य मैंने आपको व्लॉग में दिखा दिया। बहुत आनंद रहा, मजा आया, भगवान जी दर्शन करे। तो अब घर आके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और देखते हैं खाने में क्या बनता है। तिम्मू महाशय ने मैंगो शेक बना के पी लिया, रोज की तरह इसी के पेट में जा रहे हो सारे आम मैंगो शेक बना के। क्या करी, कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाएगी स्कूल बच्चे? मन नहीं कर रहा, पेट में दर्द हो रहा है। पास्ता खाऊं, मैगी खाएगी? स्कूल का कल क्या देना है? दोस्तों कैरी कर, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, इसकी मर्जी, जो करेगी। पढ़ाई से वैसे भी से प्यार कम है तो जो करेगी।
अरे यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी है तुम्हारी स्कूल की, दीदी आके करेगी, मैं तो खाना ना बना रही हूँ, ठीक है? टिम्मू की बातों में सुनते रहेंगे तो टाइम हो जाएगा, मैं बनाती हूँ फटाफट खाना। मेरा खाना बनके रेडी हो गया, मैंने आज तूरी आलू की सब्जी बनाई है और खीरे का रायता बनाया और साथ में लस्सी। आज मेरे रायते में थोड़ा सा हल्दी डाल दी है और इस तरह का मेरा रायता बना हुआ है। बता दी रोटी और सब्जी बनाई है मैंने तूरी की, देखिए आज ना मैंने इसका टाइम में बना दी तूरी, थोड़ा लस्सी टाइम में बनाई है ये। खाना मैंने बना दिया फटाफट, रोटी बना के अपने बच्चों को खिलाती हूँ, परिवार को खिलाती हूँ और कल मैं आपको मिलती हूँ नई उमंग नई तरंग और नई ताकी के साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को खूब लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। जय श्रीमन नारायण।